नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सोयाबीन पैदावार ने दिया धोखा, बेबस किसान। चचूर तहसील रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश में सोयाबीन व अन्य फसलों में इस बार किसान को कर्ज की ओर धकेल दिया। जहां एक एकड़ में लगभग 8 से 10 क्विंटल सोयाबीन के बजाय इस बार एक बीघे में 1 से 1.5 क्विंटल के लगभग सोयाबीन पैदावार हुई। जो सोयाबीन पैदावार हुई वह भी खराब किस्म की पैदा हुई, जिसका मंडी में ले जाने पर व्यापारी द्वारा कम भाव में खरीदना लगभग तय है। अब किसान का फसल से खर्च भी नहीं निकल पा रहा, फिर भी किसान बीमा और मुआवजा न मिलते हुए दूसरी फसल की तैयारी में जुट गए हैं। किसान कर्ज के दलदल में उतरता ही जा रहा है, फिर भी किसान के चेहरे पर मायूसी नहीं दिखाई देती। किसान हर फसल में भरपूर मेहनत करता है, पर उसका मेहनताना नहीं मिल पा रहा। जब अच्छी फसल होती है तो उसको कम भाव मिलता है, जब खराब किस्म की फसल होती है फिर भी उसको कम भाव मिलता है, पर गवर्नमेंट का इस पर कभी भी कोई ध्यान नहीं जाता। किसान दलदल में उतरता ही जा रहा है। निकल सकती है पर इस बार फसल ख़त्म हो चुकी है, और जो फसल निकली है वह भी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। बावजूद किसान ने अगली फसल की तैयारी, अब यह लगभग 1.5 एकड़ के आसपास ज़मीनें और 1.5 एकड़ में सोयाबीन लगभग 15 बोरी के आसपास निकलती हैं, पर आप देख सकते हो कि यह 1.5 एकड़ लगभग 3 बीघा ज़मीन की सोयाबीन है। आप आंकलन लगा सकते हो 1.5 से 2 बोरी के लगभग कुल माल निकला है, और जो माल निकला है वह भी आप देख सकते हो किस किस्म का है, जो बाज़ार में कोई लेने को भी तैयार नहीं है। इस तरह का पूरी सोयाबीन भी ख़त्म हो चुकी है किसान की, किसान बेबस और लाचार हो चुका है। इस बार गवर्नमेंट ने किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मिलते हैं किसान से, क्या भैया आपके यहाँ कितनी सोयाबीन होती है इसके, जो इस खेत के भी जो आपने माल निकाला है इसका? इसकी 15-16 बोरी। कितना बड़ा खेत है? 1.5 एकड़ लगभग 3 बीघा के आसपास है ना, 1.5 एकड़ है ना। तो इस बार माल नहीं बैठ रहा आपके, है ना? माल नहीं बैठा बिल्कुल, खर्चा भी नहीं है। हाँ, किसान का कहना है, देखो तो किसान कर्ज कैसे देगा? आप किसान कर्ज कैसे देगा, माल नहीं बैठा है तो बैठ नहीं रहा जी। अब क्या करे किसान? मुआवजा नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। आपको बीमा भी नहीं मिला? कुछ नहीं अभी तक। अभी तक नहीं मिला? आप देख सकते हो किसान की दास्तान, अपना दर्द बयां कर रहा है कि अभी तक ना तो सरकार ने हमारी ओर कोई ध्यान दिया है, और जो लेने के लिए इनको तैयार नहीं है। जो माल निकला है वो भी खराब किस्म का है, पानी की वजह से पूरा ख़त्म हो चुका है, अल्प वर्षा की वजह से सारी फसल भी ख़त्म हो चुकी है, और जो निकला है वह माल भी बाज़ार में कोई लेने को तैयार नहीं है। अब किसान देखो बेबस हैं, क्या करें किसान, किसान की हेल्प सिर्फ सरकार के सिवाय कोई आस नहीं है। सरकार का ध्यान किसानों की ओर करना चाहिए।